हाँ भाई देखें, आज हम पढ़ेंगे त्रिविम प्रक्षेप, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है। देखिए भाई, हम कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं, सम्मिश्र संख्याएं, और सम्मिश्र संख्याओं को हम एक तल में एक बिंदु के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम सम्मिश्र संख्याओं को एक गोले के ऊपर भी एक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, ध्यान देना भाई, इसके लिए हम एक रचना करते हैं, और वो रचना जो है वो किस प्रकार से करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिएगा, सपोज ये आपके पास में एक गोला है समीशन, जिसकी त्रिज्या इकाई है, यानी इकाई त्रिज्या का ये गोला है जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पर समीशन, और ये ओ मूल बिंदु इस गोले का केंद्र है। अब आपका एक समतल है यहाँ पर पाई, ये लीजिएगा सब, ये समतल है पाई, ठीक है, और अक्ष बना देता हूँ मैं यहाँ पर। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने ये गोले का व्यास बना लिया, एक एन ओ एस, ये क्या है भाई गोले का व्यास, और ये लीजिएगा, सपोज ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई एक्स है, और ये जेड अक्ष है। इसलिए बताओ, ये जो बिंदु एन है, इस बिंदु एन का जो कोऑर्डिनेट है ये आपके पास मिल जाएगा 0 0 1 भाई, चूंकि ये जेड एक्स है, आप जानते हैं जेड एक्स पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, और चूंकि वृत्त की त्रिज्या आपने इकाई ली है, इसका मतलब ये जो ओ एन है इस वृत्त की त्रिज्या 1 हो गई, इसलिए कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट 1, ठीक है। तो एन का जो कोऑर्डिनेट है ये आपके पास में 0 0 1 होगा। अब देखिए, अगर अपने पास में कोई भी सम्मिश्र संख्या होती है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हम जानते हैं कि इस सम्मिश्र संख्या एक्स प्लस आयोटा वाई को हम सम्मिश्र तल में एक बिंदु एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एक्स वाई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स वाई 0, जेड कोऑर्डिनेट क्या है इसके अंदर 0, तो आप इस बिंदु एक्स वाई को ऐसा लिख सकते हैं एक्स वाई 0। तो मान लीजिएगा, ये आपके पास में इस समतल में ये कोई बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई 0, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम्मिश्र संख्या जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को। अब हम बात करेंगे कि इस बिंदु P को इस गोले के ऊपर किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए। तो इस बिंदु P को गोले पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले गोले पर स्थित बिंदुओं और समतल में स्थित बिंदुओं के मध्य एक की संगतता स्थापित करते हैं, एक की संगतता 1:1 कोरेस्पोंडेंस, यानी कि इन प्रत्येक बिंदु का संबंध, समतल पर प्रत्येक बिंदु का संबंध गोले पर स्थित किसी बिंदु से हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। अब वो जो संबंध है वो किस प्रकार से स्थापित करेंगे, उसके लिए देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आप ये जो n था, इस n को ध्यान दो, एक तो हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं भाई, ये जो बिंदु n है इसको आप लोग क्या कहोगे यहाँ, उत्तरी ध्रुव, और ये जो s है इसको आप लोग कहोगे दक्षिणी ध्रुव। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इस बिंदु P को उत्तरी ध्रुव n से मिला देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु n को P से मिला दिया। अब जैसे ही आपने P और n को मिलाया, तो ये जो रेखाखंड NP होगा ये गोले को किसी बिंदु पर काटेगा, और अगर NP नहीं काट रहा हो तो फिर अगर NP को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तब फिर ये NP को काटेगा। तो यहाँ जो रेखाखंड NP है इस गोले को इस बिंदु P स्टार पर काट रहा है, और इस बिंदु P स्टार के कोऑर्डिनेट सपोज एक्स वाई जेड हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो बिंदु P था समतल में, जो बिंदु P था एक्स वाई 0, ये बिंदु गोले पर इस बिंदु P स्टार एक्स वाई जेड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो रचना हमने करी, इस रचना को हम लोग कहते हैं त्रिविम प्रक्षेप, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। इस पूरी रचना को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। और ये जो गोला है समीशन, जो स्टेटमेंट में जो गोला लिया है इकाई त्रिज्या का, इस गोले को हम लोग कहते हैं रीमान गोला। गोले को तुम लोग क्या कहते हैं भाई, रीमान गोला। और ये जो पूरी रचना है, इस पूरी रचना को हम लोग कहते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो रचना क्लियर है, ठीक है, बस फटाफट देख लो एक बार क्या करना है आपको। तो सबसे पहले एक गोला लेना होता है इकाई त्रिज्या का, जो कि यहाँ पर समीशन लिया हमने, एक आपको समतल लेना होता है जो कि यहाँ पर क्या है
पाई है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस समतल में कोई एक बिंदु P लेना है, सम्मिश्र संख्या अगर जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसमें इसको आप एक बिंदु के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स वाई के द्वारा। तो सपोज ये बिंदु P हो गया एक्स वाई, ठीक है। अब इस बिंदु P को गोले पर रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, P को N से मिला देते हैं, और P को जैसे ही आप N से मिलाते हैं तो NP या NP को बढ़ाने पर ये रेखाखंड गोले को एक बिंदु P स्टार पर काटेगा। तो समतल पर जो बिंदु P था इसको गोले पर रिप्रेजेंट करेगा बिंदु P स्टार, क्लियर है। अब हम इसका गणितीय विश्लेषण करेंगे। तो गणितीय विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले तो मैं गोले का समीकरण लिख रहा हूं, तो गोले का समीकरण देखिए भाई, अगर गोले का केंद्र मूल बिंदु हो और त्रिज्या अगर 1 इकाई हो, तो गोले का जो समीकरण है ये हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, आपके पास में समतल है और इस समतल को देखिएगा जरा, यहाँ ये जो समतल हमने लिया है एक्स वाई समतल लिया है, बिंदु पी हमने एक्स वाई समतल में लिया, तो एक्स वाई समतल का समीकरण हम लोग जानते हैं जेड इक्वल टू 0 होता है। तो लिख दीजिएगा समतल का समीकरण, तो समतल का समीकरण आप जानते हैं भाई जेड इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बिंदु पी पी स्टार और एन, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। तो चूंकि बिंदु एन जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 1, एक है पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई 0 है, और एक आपके पास में है पी स्टार जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास में एक्स वाई जेड, एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है भाई। तो आपने देखा कि ये जो तीन बिंदु थे तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं इसका मतलब हम जानते हैं NP की प्रवणता, NP स्टार की प्रवणता और PP स्टार की जो प्रवणता है हमेशा समान होगी। तो प्रवणता का जो कंडीशन है वो यहाँ हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ किस प्रकार से यूज करेंगे, देखिएगा, इन दोनों बिंदुओं की अगर हम बात करें तो x2 माइनस x1 का वैल्यू अगर देखेंगे आप लोग, सबसे पहले तो यह आ जाएगा x माइनस 0, तो ये आ गया x माइनस 0। अब इन दोनों बिंदुओं के लिए अगर हम देखें तो यह आ जाएगा कैपिटल x माइनस 0 इक्वल टू, इसके अलावा देखिएगा भाई आपके पास में क्या बनेगा, यहाँ से इन दोनों बिंदुओं से अगर आप लोग देखेंगे तो y माइनस 0 और बटा इन दो बिंदुओं से अगर आप लेंगे तो y2 माइनस y1 का जो वैल्यू होगा कैपिटल y माइनस 0 इक्वल टू, इन दो बिंदुओं के लिए अगर आप z2 माइनस z1 करेंगे तो यह आ जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन, यहाँ से इन दो बिंदुओं से अगर करेंगे तो z माइनस 1, ठीक है। मैं इसको व्युत्क्रम करके भी लिख सकता हूँ, तो कैपिटल x माइनस 0 कैपिटल x हो जाएगा और बटा स्मॉल x माइनस 0 से x आ जाएगा, यहाँ से कैपिटल y माइनस 0 तो कैपिटल y, स्मॉल y माइनस 0 तो स्मॉल y, ये कैपिटल z माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ठीक है। पूरे को व्युत्क्रम करके लिख दिया मैंने, और सपोज ये इक्वल है किसके, k के, तो ये तीनों इक्वल थे तो तीनों को आपने k के इक्वल कर दिया है। अब यहाँ से देखिएगा भाई, कैपिटल x अपॉन स्मॉल x k के इक्वल है, इसका मतलब जो कैपिटल x है ये इक्वल हो गया k x के। इसी प्रकार से इन दोनों को अगर इक्वल करोगे तो कैपिटल y इक्वल टू आ जाएगा k y, और इन दो को अगर हम इक्वल करें तो कैपिटल z इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस k, ठीक है भाई, ये आपके पास में आ गए हैं। इसके अलावा देखिएगा जो बिंदु P स्टार है, ये बिंदु P स्टार गोले पर स्थित है, तो चूंकि बिंदु P स्टार जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है गोले पर स्थित है, बिंदु P स्टार गोले पर स्थित है। अब बिंदु P स्टार अगर गोले पर स्थित है तो गोले के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो गोले के समीकरण को संतुष्ट करवा दीजिएगा। संतुष्ट करने का मतलब इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे कैपिटल एक्स का सबसे पहले तो के एक्स आ गया, स्क्वायर कर दोगे तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का वैल्यू के वाई है,
स्क्वायर कर लोगे तो के स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर, तो कैपिटल जेड का वैल्यू 1 माइनस के है तो बन जाएगा 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये लीजिए भाई इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम लोग के का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा कि सबसे पहले हम के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो के स्क्वायर को कॉमन लेने पर क्या बनेगा जरा ध्यान से देखना। यहाँ से के स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो के स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे अपने पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और तीसरा यहाँ से आपके पास क्या बनेगा भाई वन माइनस के का होल स्क्वायर है, इसका आप लोग जैसे ही प्रचार करते हैं तो वन माइनस के का होल स्क्वायर ऐसे आएगा ना वन माइनस टू के प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब जिसमें से के स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा वन, तो प्लस वन। ठीक है भाई, और इसके अलावा ध्यान देना आप क्या बचेगा आपके पास में, ये वाला जो वन है भाई इस वन माइनस के का होल स्क्वायर था ना ये, तो देखो अब आपके पास में हुआ क्या है, ये जो के स्क्वायर आपके पास था उसको आपने यहाँ लिख लिया, ये वाला जो वन है इस वन से हो जाएगा कैंसिल, बचेगा आपके पास यहाँ माइनस टू के, इस माइनस टू के का हम कर देंगे पक्षांतरण तो बन जाएगा प्लस टू के। ठीक है, और के से के हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से अब के का वैल्यू में मिल जाएगा, तो मैं एक बार यहाँ से इसको हटा देता हूँ ऊपर से। अब तो देखे भाई यहाँ से जो k का वैल्यू है ये आपके पास में आ गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, k का वैल्यू आपको मिल गया, इसका मतलब कैपिटल एक्स वाई जेड आपको मिल जाएगा, तो बताइए इसलिए जो कैपिटल x है ये क्या आ जाएगा, कैपिटल x इक्वल है k x के, तो k का वैल्यू ये आ गया, इसको x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। इसके अलावा कैपिटल वाई आपके पास में के वाई के इक्वल है, के का वैल्यू आपके पास में आ चुका है, इसको वाई से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको भी हटा लेता हूँ मैं, तो देखिए भैया नेक्स्ट है कैपिटल जेड इक्वल टू 1 माइनस के, तो k का वैल्यू पुट करिए, ये आपके पास में आ गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम अगर आप इसका लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये आपके पास में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2। इसका मतलब जेड इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 1 माइनस 2 से आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड तीनों के वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, इसलिए बिंदु पी जो समतल पर बिंदु पी था एक्स वाई जीरो के संगत गोले पर स्थित बिंदु के संगत गोले पर स्थित बिंदु गोले पर स्थित बिंदु। ठीक है भाई, देखिएगा क्या बनेगा भाई, ये जो बिंदु P था एक्स वाई जीरो, इसको गोले पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, P स्टार जिसका कोऑर्डिनेट कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z है, तो कैपिटल एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर दो, बस कैपिटल एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करो, सबसे पहले कैपिटल X, तो ये आपके पास में आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, फिर कैपिटल वाई, तो ये आपके पास में आ गया 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से इसको हटा लेता हूँ मैं, ठीक है भाई, और कैपिटल जेड ये आपके पास में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, तो अगर समतल में कोई भी बिंदु एक्स वाई जीरो है तो इसको गोले पर बिंदु ये वाला रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो गोले पर स्थित समतल पर स्थित बिंदु पी के संगत गोले पर बिंदु कौन सा आ गया, पी स्टार,
और पी स्टार का जो कोऑर्डिनेट है वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर पी का कोऑर्डिनेट, भाई यहाँ पी का कोऑर्डिनेट तो आपको पहले से ज्ञात होगा, और पी का कोऑर्डिनेट ज्ञात है मतलब एक्स और वाई ज्ञात है आपको, स्मॉल एक्स वाई के वैल्यू ज्ञात है आपको, और स्मॉल एक्स वाई अगर आपको पता है तो फिर पी स्टार आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास में आ गया बिंदु पी के संगत गोले पर स्थित बिंदु पी स्टार। अब इसमें सपोज जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं, भाई कोई भी बिंदु एक्स वाई होता है उसका मतलब सम्मिश्र संख्या है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, देखिएगा इसका मतलब जेड बार क्या होगा आपके पास में एक्स माइनस आयोटा वाई, और दोनों को आप लोग ऐड कर लोगे तो जेड प्लस जेड बार क्या आ जाएगा टू एक्स, और अगर दोनों को घटा दोगे तो फिर जेड माइनस जेड बार ये आपके पास में क्या आ जाएगा भाई टू आयोटा वाई। ठीक है, ये सारे वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिएगा तो बिंदु पी स्टार आपको मिल जाएगा। इसलिए गोले पर स्थित बिंदु पी स्टार, इसलिए गोले पर स्थित बिंदु पी स्टार, अब पी स्टार का कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं भाई देखिएगा क्या बनेगा। सबसे पहले 2x है तो 2x को आप लोग क्या लिख सकते हो z प्लस z बार बटा, अब देखिए भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोई भी सम्मिश्र संख्या जो z होती है x प्लस आयोटा वाई इसका मापांक यानी कि मोड z हम लोग जानते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो मोड z ये होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब इसके दोनों पक्षों का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा मॉड जेड स्क्वायर के। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं मॉड जेड स्क्वायर प्लस वन, तो ये लीजिएगा प्लस वन। इसके अलावा टू वाई, तो टू वाई को हम लिख सकते हैं टू वाई इसका वैल्यू जो है ये आपके पास में है जेड माइनस जेड बार अपॉन आयोटा, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको आप लिख दोगे मॉड जेड स्क्वायर और फिर है प्लस वन, तो ये लीजिएगा प्लस वन। और तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको आप मॉड जेड स्क्वायर लिखोगे माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो मॉड जेड स्क्वायर प्लस वन। तो ये आ गया आपके पास में समतल पर स्थित बिंदु P जिसके संगत गोले पर स्थित बिंदु P स्टार। ठीक है भाई, तो अगर आपको समतल में कोई भी बिंदु दे दिया जाए तो उसके संगत आप गोले पर बिंदु P स्टार ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला ये मिल गया आपको, ये दो बिंदु आपको मिल गया। सेमी है, ये जेड के टर्म्स में है, ये एक्स और वाई के टर्म्स में है। एक इसका विलोम भी हम लोग कर सकते हैं, विलोम का मतलब सपोज हमें बिंदु अगर P स्टार पर ज्ञात हो, ये P स्टार अगर हमें ज्ञात हो यानी गोले पर स्थित बिंदु अगर आपको ज्ञात है तो फिर इसके संगत समतल पर बिंदु ज्ञात करना, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको देख ले एक बार, मैं इसको हटा दूं यहां से। तो इसके लिए देखिए अभी हमने देखा था पीछे कि कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स इक्वल है कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल वाई इक्वल है कैपिटल जेड माइनस वन अपॉन माइनस वन। ठीक है, इस प्रकार से इक्वल। अभी यहां से स्मॉल एक्स इनको दोनों को इक्वल करिए और स्मॉल एक्स फाइंड कर लीजिएगा। तो इनको दोनों को इक्वल करोगे तो देखो कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स ये जेड माइनस वन अपॉन माइनस वन आएगा, तो यहाँ से स्मॉल एक्स इक्वल टू ये माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स और बटा जेड माइनस वन ऐसा आ जाएगा। या आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि स्मॉल एक्स इक्वल टू आ गया कैपिटल एक्स अपॉन वन माइनस जेड, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ से स्मॉल वाई भी फाइंड कर सकते हैं, इनको दोनों को इक्वल कर लीजिए तो स्मॉल वाई आपको मिल जाएगा। तो स्मॉल वाई आपके पास में जाएगा कैपिटल वाई अपॉन वन माइनस जेड, तो जो स्मॉल जेड होगा ये आप लोग जानते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, और एक्स प्लस आयोटा वाई होता है तो एक्स और वाई का वैल्यू तो आपने फाइंड कर ही लिया है। तो यहाँ से देखो वन माइनस जेड तो दोनों का एलसीएम बन जाएगा, तो ऊपर से यहाँ से आ जाएगा एक्स और प्लस आयोटा स्मॉल वाई से आ जाएगा वाई। ठीक है, ये आपके पास में आ गया जेड। इसलिए अगर आपको गोले पर बिंदु पी स्टार अगर आपको पहले से ज्ञात है तो इसके संगत समतल पर हम बिंदु पी फाइंड कर सकते हैं। बिंदु पी का मतलब स्मॉल एक्स वाई था, तो स्मॉल एक्स वाई ये आपने फाइंड कर लिया है। इसलिए गोले पर बिंदु पी स्टार के संगत, गोले पर बिंदु पी स्टार जिसका कोऑर्डिनेट है कैपिटल एक्स वाई
जेड के संगत समतल पर स्थित बिंदु, संगत समतल पर स्थित बिंदु, ये क्या आ गया भाई आपके पास में? समतल पर स्थित बिंदु होगा स्मॉल एक्स वाई जेड, तो स्मॉल एक्स का वैल्यू आ गया आपके पास में कैपिटल एक्स अपॉन वन माइनस जेड, स्मॉल वाई ये आ गया आपके पास में कैपिटल वाई अपॉन वन माइनस जेड, और स्मॉल जेड ये आपके पास में आ गया कैपिटल एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन वन माइनस जेड। ठीक है भाई, तो ये आपके पास में आ गया गोले पर स्थित बिंदु P स्टार के संगत समतल पर स्थित बिंदु P। तो ये हो गया आपका स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का मैथमेटिक्स कल एनालिटिक गणितीय विश्लेषण। ठीक है भाई।